गुजरावाला वाला की सेशन कोर्ट से आज आलिया हमजा की ज़मानत मंजूर हो गई है और उम्मीद है आज आलिया हमजा को भी रहा कर दिया जाएगा इससे पहले सनम जवेद की रहाई हुई उससे पहले तयबा राजा आयशा भुट्टा हदीजा शाह और वह खवातिन जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था उनकी रहाई हुई आलिया हमज़ा इस टाइम अकेली मौजूद थी आलिया हमदा गुजर वाला में मौजूद थी आलिया हमदा की आज जमानत मंजूर हो गई है इस हवाले से आपको बताएंगे इसके अलावा आपको बताएंगे कि पी टी आई के एम एन ए हाजी इम्तियाज़ चौधरी जो मंडी दीन से पाकिस्तान तरीक़िन इंसाफ की तरफ से एम एन ए हुए उन्हें आज एंटी करप्शन की तहवील से नामूम अफराद उठा कर ले गए हैं किस तरह लेकर गए हैं ये वाक्य सामने आया है ये भी आपको बताएंगे तीसरा आपको बताएंगे रऊफ हसन के हवाले से रऊफ हसन को आपको पता है सेंट्रल ऑफिस से गिरफ़्तार किया गया था रऊफ हसन का कल जिसमानी रिमांड जो है वो मुस्तरद होकर रऊफ हसन को जुडिशल कर दिया गया था आज रोफ़ हसन को सी टी डी ने गिरफ़्तार कर लिया है आज दोबारा से रौफ़ हसन का जिसमानी रिमांड ले लिया गया है इसके अलावा हम बात करेंगे फाइट वाल के हवाले से जिसको उजमा बहारी फाइबर वाल कहते हैं सो करते हैं आज का विलाग शुरू सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें करते हैं आज का विलाग शुरू आज आपको बताता हूँ आलिया हमजा के हवाले से आलिया हमदा जिसकी जवान बेटियाँ हैं आलिया हमदा जिसे 10 मई को गिरफ्तार किया गया था आलिया हमजा को मुतलिफ थानों में लेकर गए मुतलिफ हवालात में लेकर गए मुतलिफ कचहरीों में लेकर गए लेकिन वह ख़ून हमेशा नज़र आती है इमरान खान का नारा लगाते हुए एक तरफ़ सनम जवेद थी जो हमेशा मुस्कुराती हुई नजर आती थी हदीज़ा शाह थी जो हमेशा दलेरों की तरह चलती हुई नज़र आती थीं तयबा राजा थीं इसके अलावा आयशा बुट्टा थी और बहुत सी खवातन थी डॉक्टर यासमीन राशिद, एजाज चौधरी उम्र सरफराज सीमा ये तो पाकिस्तान तरीकान साफ़ के अहम रहनुमा हैं इनकी तो वो कहता हूँ कि मसाल ही नहीं लेकिन मैं अलिया हमजा के मतलब बता रहा हूँ जब गुजरावाला लेकर गए उसके बाद सरगोदा लेकर गए मियाँ वली के थानों में लेकर गए मियाँ वली के एफ़ आई आर में नामजद किया गया तो सिर्फ़ सनम और आलिया हमजा को मुख्तिफ थानों में लेकर जाते थे मुख्तिफ़ हवालात में लेके जाते थे सरगोदा लेके गए उसके बाद वाला लेकर गए तो वाला में सनम जिवेद और आलिया हमजा इकट्ठी थी वाला में सनम जुवेद की जमानत मंजूर हुई उसके बाद एफ़ आई ए ने सनम जुवेद को अरेस्ट किया इस्लामबाद लेकर आई उसके बाद जमाला है आपको पता है कि सनम जुवेद की फिर रहाई हो जाती है इस्लाम हाई कोर्ट से लेकिन आलिया हमजा वहाँ गुजराँवाला में अकेली रह जाती हैं आलिया हमज़ा ये भी पहुँचाती हैं सनम जवेद को कि मैं अकेली रह गई हूँ और इंसान जब अकेला रहता हो तो यकीन अकेला रहना ज़्यादा मुश्किल होता है तो आलिया हमजा की आज गुजरा वाला की सेशन अदालत से ज़मानत मंजूर हो गई है आलिया हमजा के मतलब बताऊँ तो तरीके साफ़ की तरफ़ से एम एन ए रही हैं आलिया हमज़ा जस्मानी तौर पे वो उतनी फिट नहीं है कमज़ोर सी एक खतून है लेकिन जो उनका हौसला है जो उनकी हिम्मत है वो बहुत मजबूत है वो बहुत ही बुलंद है आलिया हमरा के मतलब बताऊँ तो ईद वाले दिन उनकी तस्वीर आपने देखी होगी फितर वाले दिन जिसपे उन्होंने अपने हाथ में कैदी आठ सौ चार लिखा था सो आज आलिया हमज़ा की भी जमानत मंजूर हो गई है जो पाकिस्तान तरीके तरीकानसाफ़ के वला हैं वो आज गुजरा वाला सेशन अदालत पहुंचे। उनका कहना है कि आज इन आलिया हमजा की रहाई हो जाएगी जैसा कि आपको पता है तकरीबन चौदह मुकदमात में आलिया हमज़ा को जब एक केस से डिस्चार्ज किया जाता था तो दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता था लेकिन आज वकला अज़म के साथ यकीन के साथ कह रहे हैं कि आज उनकी रहाई हो जाएगी उसके बाद डॉक्टर यासमीन राशद जो कैंसर के मरीजा हैं उनका इंतज़ार है मियाँ महमूद रशीद एजाज चौधरी उमर सरफा सीमा और इमरान हान इनकी रहाई का कौम को इंतज़ार है सो आज आलिया हमदा के हवाले से बताना ज़रूरी था अब मैं बात करता हूँ पी टी आई के एम एन ए हाजी इम्तियाज़ चौधरी मंडी बहावल दीन से ये तरीकन साफ की तरफ से एम एन ए मुतिबू हुए लास्ट टाइम भी ये मंडी बहावल दीन से तरीकान साफ़ की तरफ से एम एन ए थे इस दफा दोबारा से वो एम एन ए मुतिबू हुए आ, हाजी इम्तियाज़ चौधरी को एंटी करप्शन की तहवील से आज नामूम अफराद उठा कर लेके गए हैं ये कहा गया है एंटी करप्शन की जानब से कि कुछ नामूम अफराद ने हमला किया गाड़ी के टायर पे फायर किए टायर फाड़ दिए गए उसके बाद हम पे गन रख के वो हाजि इम्तिया चौधरी को ले गए नामूम अफराद इतनी पावर कौन रखते हैं जो आते हैं और फिर तरीके साफ़ के एम एन एस को उठा के ले जाते हैं अब मैं बात करूँ पुलिस की पुलिस का हमेशा ये रवैया रहा है आप अगर ये चीज़ जानते हैं या नहीं जानते लेकिन मैं बताना चाहूँगा पुलिस आपने एक चीज़ सुनी होगी जिसे कहते हैं पुलिस मुकाबला पुलिस ने हमेशा इस तरह किया है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद उसे छोड़ा जाता है पीछे से फायर मारे जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि इसने भागने की कोशिश की इसने मजामत की कोशिश की इसी तरह का वाक़ मंडी बहावल दीन में कुछ रोज़ कबल पेश आया मंडी बहावल दीन के दो नौजवानों को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया उनका अगर कोई जुर्म था इस्तेहारी थे आप उन्हें अरेस्ट करते अरेस्ट करके आप अदालत में पेश करते और फिर जो सज़ा अदालत मुकर करती वो सजा भुगत्य लेकिन ये पुलिस हमेशा से करती आई है, है कि पुलिस इस तरह करती है कि एक मुलजम को एक शख्स को गिरफ्तार करती है फिर उसको छोड़ती है पीछे से फायर मारती है और फिर कहती है कि उसने भागने की कोशिश की उसने पुलिस पे हमला करने की कोशिश की उसके साथियों ने पुलिस पे हमला करने की कोशिश की और फिर ये कहा जाता है कि एक पुलिस वाला जहमीन और दो इश्तहारी मार दिए गए ये खबरें हमेशा सुनने को मिलती हैं एक्चुअली ये वाक़ा ही इस तरह होता है जैसे आज हाजी इम्तियाज़ चौधरी को उठा लिया गया है पुलिस ने ये मौका पेश किया है जो एंटी करप्शन के अदारे हैं उन्होंने ये मौका पेश किया है कि वहाँ नामालूम अफराद ने हमला किया टाइट पर गोलियाँ मारी उसके बाद उन्हें उठा कर ले गए कहाँ थे कहाँ था आपका सलाह आप लोग कहाँ थे आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी आपने एक एम एन ए को उठाया है और आप से वो एम एन ए संभाला नहीं जा रहा एंटी करप्शन पे ये सवाल उठता है तमाम मंडी दीन के लोगों से मैं कहना चाहूँगा आप इस पर सवाल ज़रूर उठाएँ मंडी दीन के जो डी हैं वो तो काम करते हुए नज़र आते हैं लेकिन मंडी दीन में इस तरह के वाक़ रोनमा हो रहे हैं इस पर तमाम लोगों को सिर्फ मंडी के लोगों को नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को सवाल उठाना चाहिए अब अगर मैं हाजी इम्तियाज़ चौधरी की बात करूं तो ये वो एम एन ए हैं जो तरीकान साफ़ की लिस्ट में नहीं आए जो आज़ाद एम एन ए एक लिस्ट आई है जो आज़ाद एम एन ए हैं ये उनमें आए हैं इन्होंने अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया है इसके बावजूद इन्हें उठाया गया इन्हें गिरफ्तार किया गया इनके भाई कह रहे हैं कि इन्हें यह प्रेशरइज़ किया जा रहा है कि आप तरीकान साफ़ को छोड़ दें इससे पहले साहबजादा अमीर सुल्तान को उठाया गया इससे पहले

इनका रिमांड गया, उसके बाद अदालत ने को जुडिशल मुंतकिल गिरफ्तार किया है गिरफ्तार करके आज अदालत में पेश किया गया है रऊफ हसन को और आज दो रोजा जिसमानी रिमांड दे दिया गया है और फिर वहां क्या कहा गया है सी टी डी की जानब से दहशतगर्द तंजीम तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ राबते हैं रऊफ हसन के आप अंदाज़ा लगाएं ये तरीक़े इंसाफ के लोगों के हवाले से कहा जा रहा है कि ये तालिबानों के साथ रबते में हैं और फिर एक तरीक़े इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर बरूद डाल दिया गया असला डाल दिया गया अहमद जंजुआ पे इस तरह ये दहशतगर्द साबित करना चाह रहे हैं डिज, डिज, डिजिटल दहशतगर्द तो कह दिया गया है लेकिन अब असल में दहशतगर्द साबित करना चाह रहे हैं और आज रऊफ़ हसन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इनका तरीक़े तालिबान पाकिस्तान के साथ रबा है और फिर आज अदालत ने भी दो रोज़ा जस्मानी रिमांड दे दिया है एक बुजुर्ग से एक अस्सी साल शख्स से आपने क्या लेना है आप चाहते हैं कि वो तरीके इंसाफ के जो सेक्ट्री इतलात हैं वह अहदा छोड़ते आप उनसे ये मुतालबा रखते हैं उनके सामने कि आपने अब आप कोई बात नहीं करनी मे भी वो चुप कर दें अस्सी साल शख्स हैं कितने दर्द सहेंगे कितनी तकलीफ सहेंगे में भी हो, हो सकता है वो चुप कर जाए लेकिन ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो खमोश नहीं हो रहे वो आपको पैगाम दे रहे हैं कि वो जब भी बाहर आएँगे वो उसी तरह दबंग अंदाज़ में बात करेंगे जिस तरह पहले करते थे अब मैं बात करता हूँ तरीकन साहब की भूख हड़ताल के हवाले से अभी तरीकान साफ़ की पार्लीमेंट में भूख हड़ताल जारी है जैसा कि आपको पता है तकरीबन दो तो हफ़्ता दो हफ़्ता हो चुका है तरीकान साफ़ की भूख हड़ताल को तरीकान साफ़ ने पार्लीमेंट में भूख हड़ताल का ऐलान किया हुआ है तकरीबन चार बजे से ले सात बजे तक बैठते हैं भूख हड़ताल करते हैं नारे लगाते हैं इमरान खान की रहाई का मुतालबा करते हैं और अभी भी तरीकन साफ की बू हड़ताल वहाँ जारी है तरीकन साफ के पार्लिमेंटेरियंस की जो वहाँ कैंप लगा के बैठे होते हैं और आज अभी वहाँ मौजूद हैं सो तो इस बू हड़ताल का मकसद क्या है आगे क्या होगा ये देखेंगे पाँच तरीक को पाँच अगस्त को एक साल मुकम्मल हो जाएगा इमरान खान की गिरफ्तारी को और पाँच अगस्त को स्वाबी में जलसा है स्वाबी जलसे के हवाले से तरीकिन साहब सोशल मीडिया पर काफ़ी पब्लिसिटी का रही है स्वाबी का जलसा कैसा होता है ये उस दिन देखा जाएगा बाकी मुल्क के मुख्तिस हिस्सों में में आज इंटरनेट सर्विस जो है वो मुतल करने की खबरें आ रही हैं फायर वाल लगा दी गई है ये कहा जा रहा है जिसे उस्मा बुहारी फाइबर वाल कहती हैं कि फाइबर वाल लगा दी गई है पता चल जाएगा सो फायर वाल लगा के मुल्क के मुख्त जो इलाके हैं वहाँ इंटरनेट सर्विस जो है वो मुतल हो गई है और यहाँ इवन के मुख्तफ शहरों में इंटरनेट स्लो हो चुका है अगर हम व्हाट्सअप की बात करें तो कोई तस्वीर सेंड नहीं होती कोई वॉइस नोट सेंड नहीं होता अगर हम दूसरे ममालिक बात करें वो सोशल मीडिया पे काम करके तरक्की कर रहे हैं उनकी इकानमी का बहुत बड़ा ज़रिया सोशल मीडिया से होता है लेकिन यहाँ पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो किया जा रहा है ये इस हकूमत के काम है बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट देता रहूँगा मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़